हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारी देवी देवताओं की पूजा होती है और देवी देवताओं के बारे में जिक्र मुखमात्र करने से ही लोगों के मन मस्तिष्क में अलग अलग देवी देवताओं की छवि सामने आती है। लेकिन आज भी धरती पर हिंदू धर्म से ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं की बात होती है तो हनुमान जी का नाम सामने आता है। हनुमान जी के बारे में आज हम आपको एक ऐसे भारत के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां की मान्यता है कि राम और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था उस दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उनकी नजर शिमला के जाकू पहाड़ी पर तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी थी। इस ऋषि को तपस्या करते हुए देख हनुमान जी आकाश मार्ग से नीचे उतर कर ऋषि के पास गए थे। कहा जाता है कि हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी के बारे में पता करने के लिए चाकू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे वहाँ आज भी उनके पांव के चिन्ह संगमरमर से बने हुए हैं। यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद हनुमान जी ने यक्ष ऋषि से मिलकर जाने का वादा किया था। हालांकि लौटते समय हनुमान जी का एक राक्षस से युद्ध होने लगा और वो चाकू पहाड़ी पर यक्ष ऋषि से मिलने नहीं जा पाए। इस पर जाकू पहाड़ी पर यक्ष ऋषि और कई सारे ऋषि भी व्याकुल हो उठे। उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए हनुमान जी ने बाद में यक्ष ऋषि को दर्शन दिए। इसके बाद ही पहाड़ी पर हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई और ये देखकर यक्ष ऋषि ने हनुमान जी का यहाँ मंदिर बनवा दिया। आपको बता दें कि इस मंदिर को हनुमान जी के पैरों के निशान के पास बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि मंदिर को रामायण काल के समय का बताया जाता है। जाकू मंदिर में हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति बनी हुई है जो शिमला के किसी भी कोने से आसानी से दिखाई दे जाती है। शिमला से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। चाकू मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है जो करीब 108 फीट ऊंची है। प्राइड ऑफ शिमला कहे जाने वाले चाकू पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु शिमला के इस हनुमान मंदिर की यात्रा जरूर करते हैं। जाकू पहाड़ी पर बने हनुमान जी के इस प्रसिद्ध मंदिर की मान्यता है कि मंदिर में मांगी गई हर किसी की मन्नत जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि यहां साल के पूरे 12 महीने ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।